सुगत, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा खान यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं और इस वीडियो में आपको काइन मास्टर मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा कि आप काइन मास्टर को किस तरह से वीडियो एडिटिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है और उसके क्या टूल्स हैं, क्या फ़ीचर हैं, क्या ऑप्शन हैं, आप उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान। ये सारा कुछ मैं आपको कम्प्लीट ए टू जेड इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आप काइन मास्टर के एक मास्टर बन जाएंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपने वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दें क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जो ही आप काइन मास्टर को ओपन करते हैं आपको इस किस्म का डिस्प्ले देखने को मिलता है और आपको राइट हैंड साइड से वो वीडियो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपने रिसेंटली काइन मास्टर में एडिट किए होते हैं। तो उसके बाद आपको ऊपर काइन मास्टर लिखा दिखाई देता है, इससे नीचे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसे आप एम्प्टी प्रोजेक्ट कोई भी न्यू वीडियो या प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। देन वो आपसे जो ना रेशो का पूछ रहा है कि आपने कौन सी रेशो सिलेक्ट करनी है। अगर आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी है तो आपको 16:9 सिलेक्ट करना है। अगर आप टिकटॉक मोड या पोर्ट्रेट मोड में कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 9:16 सिलेक्ट करने है। अगर आप कोई स्क्वायर शेप में वीडियो बनाना चाहते हैं, एडिट करनी है, तो आपको 1:1 सिलेक्ट करनी है। तो हम YouTube वीडियो को एडिट करने के लिए हमने 16:9 पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये आपको मीडिया ब्राउजर में ले जाता है और आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर होते हैं, जितने भी पिक्चर होती हैं, वो आपको इधर दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैकग्राउंड दिखाई दे देते हैं काइन मास्टर के, जो भी बाय डिफॉल्ट काइन मास्टर हैं, सॉरी जो बैकग्राउंड है वो आपको इधर दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर आप कोई भी वीडियो या कोई भी आप पिक्चर बैकग्राउंड इधर आप ऐड कर सकते हैं अगर आप उन्हें इजीली से फाइंड करना चाहते हैं, और किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देन आपको क्राउड जो ना स्टोरेज देखने को मिल जाता है, कोई भी अगर आपने स्टोरी कोई चीज़ स्टोर की है तो वो आपको इधर मिल जाती है। देन आपको जो फोल्डर हैं सारे मोबाइल के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर से कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, वाइट बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो इधर आपको काइन मास्टर के जो डिफ़ॉल्ट फीचर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो हमने अभी यूज़ किया है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो देन आपको इसे मिड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से आप कैमरे को ऑन करके फ़ोटो या कोई भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो इसे डाउन पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करनी है, तो आप इसकी मदद से वॉइस ओवर कर सकते हैं। किस तरह से करनी है ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इनका जो फीचर है, इनके बारे में टूल है, वो मैं आपको थोड़ा इंट्रो करवा दूँ। ओके, देन आपको इधर लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई भी लेयर ऐड करनी है, इफेक्ट ऐड करना है, स्टीकर टेक्स्ट ऐड करना है, हैंड राइटिंग, तो आपको ये सारे ऑप्शन लेयर में देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको राइट हैंड साइड से ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई ऑडियो सॉन्ग ऐड करना है या जो भी है, वो आप इस ऑडियो पर क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। इससे आप पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप अगर वीडियो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आप इसकी मदद से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे डाउन आपको आपने जो भी वीडियो है उसे प्ले करने के लिए आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे थोड़ा लेफ्ट आपको काइन मास्टर का जो प्ले स्टोर है वो आपको मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, काइन मास्टर की बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोर है उसमें आप चले जाते हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब मैं इस जो बैकग्राउंड है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की है, कोई भी अगर आपने वीडियो सिलेक्ट की है, उसकी आपको लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप इसकी मदद से लेंथ को इंक्रीज करना चाहें, जितना भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। देन आपको अगर इसका कोई कलर चेंज करना है, इधर आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रेड एंड साइड से इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ओके, हो गया। तो इसके साथ ही आपको कैंची का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसकी मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ ब्लेड। अगर आपको इसे लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है, काटना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे जो लेफ्ट साइड से वो कट हो जाएगा, जहाँ पर ये ब्लेड ठहरा होगा, ये लाइन ये जो आपको दिखाई दे रही है। इसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड। अगर आपको राइट साइड से काटनी है, ट्रिम करनी है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, राइट साइड से वो जितना भी सिलेक्ट होगा वो कट हो जाएगा। इससे नीचे आपको मिल जाता है स्प्लिट एट प्ले हेड। इस पर अगर आप जो ही क्लिक करते हैं तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा, जहाँ पर भी आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हाफ हो जाएगा। ओके, हो गया। तो इसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम।
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जहाँ भी ये ठहरा है यहाँ ये एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो इधर जो पिक्चर है वो ऐड हो जाती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट मैंने जो है ना फ्रीज किया फ्रेम को, तो उसने एक पिक्चर ली और इसके मिड में ऐड कर दी। अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर, ओके। तो मैं अगेन क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपको इधर इधर क्लिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इधर आपको बहुत से क्लिप देखने को मिल जाते हैं। तो इधर मैं कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ओके। तो फर्स्ट वाला मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जो मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप इसकी मदद से अपनी वीडियो में क्लिप को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको गेट मोर पर क्लिक करना है, ये आपको काइन मास्टर का जो स्टोर है वो उसमें ले जाएगा। वहाँ आपको बहुत से जो क्लिप ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, आप वहीं से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे नन कर देता हूँ, अगेन हम क्लिक करते हैं तो इससे नीचे आपको कलर फिल्टर देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई भी वीडियो या पिक्चर है उसकी लाइटिंग ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है तो आप इनकी मदद से बेसिक तो उसकी लाइटिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ओके। हो गया, तो इसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको सारों में एक ही फ़िल्टर यूज़ करना है तो अप्लाई टू ऑल आप कर देंगे, जो भी आपकी वीडियो या पिक्चर है तो अप्लाई सारों में वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं इसे नन करता हूँ, अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन आपको नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। ये बेसिकली अगर आपकी वीडियो की ब्राइटनेस कभी कभार ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार ब्राइटनेस फुल लो हो जाती है, कभी अंधेरा हो जाता है, तो इसकी मदद से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वीडियो की एडजस्टमेंट या फोटो की एडजस्टमेंट आप इसकी मदद से कर सकते हैं। और इससे नीचे आपको सैचुरेशन का मिल जाता है, तो जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है इन सारों की मदद से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे विग्निटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो ही हम इसे अनेबल कर दें तो इधर इसके जो कॉर्नर है ना, ये सारे कॉर्नर ब्लैक हो जाएंगे, ओके। मैं इसे अनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कॉर्नर से ये ब्लैक हो गया और जो मिड में है वो रेड का रेडी ठहरा है। इसके बाद आपको मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। देन इसके बाद हम कोई वीडियो सिलेक्ट करते हैं। मैं मीडिया में जाकर कोई एक वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फोल्डर को ओपन करके हमने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इससे वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अगर आपको जो ही आप क्लिक करते हैं इधर आपको कैंची का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको राइट या लेफ़्ट साइड से जो ही आपको ट्रिम करनी है, प्ले ऐड करनी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आप इधर बैकग्राउंड में आपने की है, इसको भी आप वैसे ही ट्रिम कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट प्ले ऐड जैसा भी है, ओके। तो इसके बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है पैन या जूम का, इसकी मदद से आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। अगर आप जूम करके वीडियो चलाना चाहते हैं एक ही जूमिंग में, तो आप इस पर क्लिक कर लें। ये जो आपको मिड में दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो आपको इस वीडियो को एडजस्ट कर लेना है जहाँ भी आप इसे जूम करके चलाना प्ले करना चाहते हैं, ओके। तो मैंने इसे यहाँ तक कर दिया, तो अब हमारी जो वीडियो है ये सारी वीडियो जूम होकर चलेगी। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको जो है ना स्टार्ट पोजीशन में आपको जूम करना है या जूम इन आउट करना है तो आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना एंड पोजीशन पे करना है तो एंड पर आपको क्लिक करना है, इधर से भी आप इसे जूम इन या आउट जैसा भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन आपको स्पीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ वॉल्यूम का। तो अगर आपने कोई भी वीडियो सिलेक्ट की है, कोई भी अगर आप वीडियो बना रहे हो उसकी वीडियो की जो वॉइस है ना वो कम है, तो आप इसकी मदद से इसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 100 पर होती है, तो अगर कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 200 तक इसका वॉल्यूम है। अगर कुछ ज़्यादा हो रही है तो आप इसकी मदद से काम कर सकते हैं, ओके। हो गया, इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसकी मदद से आप अगर कोई नॉइस है नॉइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपको राइट हैंड साइड से ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे अनेबल करते हैं तो इस जो वीडियो है इसका जो वॉल्यूम है वो ऑटो ये एडजस्ट कर देता है काइनमास्टर का, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। नीचे आपको लेफ्ट एंड राइट का कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर लेफ्ट राइट वीडियो में वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है तो आप इनकी मदद से इसे आप लेवल में कर सकते हैं। तो नीचे आपको क्लिप ग्राफिक का मिल जाता है, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो में ऐड करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं इन एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ, तो इसी तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। देन आपको स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पीड, तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है 1 पर। अगर आप 1 से जितना ज़्यादा करेंगे ना तो उतनी आपकी जो स्पीड है वीडियो की वो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ओके। और इधर से स्पीड ज़्यादा होगी और ये जो है ये थोड़ा कम होता जाएगा। देखिए आप वीडियो की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, तो हम इसे 1 पे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो इसकी मदद से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम करनी है तो आपको 0.5 इससे भी आप कम कर सकते हैं 1 से।
तो अगर आप इसे आपने इसे म्यूट करना है, इसकी वॉइस को म्यूट को आपने ऑन कर लेना है। अगर आपको इसकी जो है ना पिच है, जब भी आप वीडियो को जो अगर आप इसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं तो इसकी जो पिच है, पिच मीन्स कभी कभार जब आप इसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं तो वो जो है ना वो बच्चों वाली आवाज़ हो जाती है, आवाज़ वो बच्चों वाली हो जाती है। तो आप इसकी मदद से अगर आप पिच को ऑन करेंगे ना, तो अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है ना, जब भी आप इसे ऑन करेंगे वो जो वॉइस है वो आपकी वैसे की वैसी रहेगी, वॉइस आपकी चेंज नहीं होगी। ओके हो गया, तो इसको आपने ध्यान करना है। इसे नीचे आपको दिखाई दे रहा रिवर्स, अगर आपको वीडियो को रिवर्स करना है इस पर जो ही क्लिक करेंगे आपकी जो भी वीडियो है वो रिवर्स हो जाएगी। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक वीडियो ऐड की है जिसमें बस आ रही है आपकी तरफ, बस आ रही है, अगर आप इसे रिवर्स करेंगे जैसे वो आ रही होगी ना वैसे वो बैक पे जाएगी। ओके, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। देन आपको नीचे रोटेटिंग या मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसकी मदद से इसका मिरर भी चेंज कर सकते हैं, अप डाउन जैसे भी आपको करना है। और देन आपको इधर रोटेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपको वीडियो को रोटेट करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हैं। मुझे नज़ला हुआ ठहरा है, तो इससे नीचे आपको मिल जाता है कलर फिल्टर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसकी मदद से वीडियो की लाइटिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता दी है। देन आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से आप वीडियो की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट हो गया, सैचुरेशन हो गया, ये सारा कुछ। देन आपको इको का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको वीडियो में बेस को ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप इसकी मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे डाउन पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम इनविलप। ओके, तो इसका बेसिकली यूज़ इस तरह से होता है कि अगर आप वीडियो में बोर रहे हैं, कभी कभार आप चाहते हैं कि मेरी जो वॉइस है वो ज़्यादा हो जाए और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या बैकग्राउंड अगर आपने यूज़ किया है उसकी वॉइस कम हो जाए, तो आप इसकी मदद से इसकी वॉइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वॉइस को। तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पे आप ये बोल रहे हैं, यहाँ आप चाहते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है ना वॉइस ज़्यादा हो जाए और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो भी आपने यूज़ किया वो कम हो जाए, तो आप अपनी वॉइस को या म्यूज़िक को इस तरह से आप कम कर सकते हैं जितना भी आप कम करना चाहें। ओके, देन इसे थोड़ा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ 100 पर। ओके, फर्स्ट पे आपकी जो वॉइस है वो ठीक से आ रही है, देन आपकी वॉइस कम हो गई है, यहाँ तक बिल्कुल कम हो गई है। देन अगेन आपको आप चाहते हैं यहाँ से मेरी वॉइस जो है ना वो फिर वैसे नॉर्मल हो जाए इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको जहाँ भी कम या ज़्यादा करनी है वॉइस आप कम वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मैं प्लस करते हैं वहाँ पर एक रेड डॉट आ जाता है। देन मैं बैक करता हूँ और आपको रिवर्ब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वीडियो की वॉइस को। वॉइस चेंजर का ऑप्शन को आपको मिल जाता है, अगर आपको वॉइस बच्चों वाली करनी है या आदमी वाली या जो भी है फनी करनी है, इसकी मदद से आप अपनी वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी मदद से आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं। और देन आपको विग्निटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे आप अगर वीडियो की जो कॉर्नर हैं उनको आप ब्लैक कर सकते हैं, थोड़ा डिम कर सकते हैं। ऑन करता हूँ तो आप इसके जो कॉर्नर हैं वो डिम हो गए हैं। इससे नीचे आपको स्ट्रेट ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी वीडियो का जो वॉल्यूम है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया है। ओके हो गया, अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसके जो भी फीचर हैं, जब भी आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं उसके भी मैंने आपको फ़ीचर बता दिए हैं, और जब आप कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं उसके भी मैं आपको फ़ीचर बता दिए हैं कि कैसे कैसे फ़ीचर काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई बैकग्राउंड कोई साउंड है म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने म्यूज़िक को सिलेक्ट किया, नीचे ऑडियो कर दिए, तो अगर आपको म्यूज़िक कम ज़्यादा करना है इसकी मदद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम भी आप कर सकते हैं, अगर आप राइट लेफ्ट से कोई कम हो रही है आप इनकी मदद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन मैं क्लिक करता हूँ और बाकी सारे ऑप्शन वही हैं, और इधर जो बेसिकली है वो है डकिंग का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डकिंग का मीन्स ये है कि अगर आप वीडियो में बोल रहे हैं आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट कर दे कि जब मैं बोलूं तो जो वॉइस है बैकग्राउंड वो कम हो जाए और मैं जब स्टॉप हूं तो बैकग्राउंड जो वॉइस है जो म्यूज़िक आपने यूज़ किया वो ज़्यादा हो जाए, तो आप इसे जब भी अनेबल करते हैं तो वो ऑटो एडजस्टमेंट कर देता है। देन आपको लूप का ऑप्शन मिल जाता है, लूप की मदद से आप इसकी जो लेंथ है जितनी भी इंक्रीज करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे नीचे आपको लूप टू एंड, अगर आप इसे जो है ना लूप टू एंड करते हैं तो आपका जितना भी वीडियो होगे या प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा ये एंड तक ये चला जाएगा इस तरह से। ओके, देन आपको अगर ट्रिम करना है या सिपलेट करना है इस पर क्लिक करके जहाँ भी आपको इसकी मदद से आप सिपलेट कर सकते हैं, ट्रिम जहाँ भी आपको करना है। यहाँ तक हो गया क्लियर, तो अब मैं अगेन इससे बैक करता हूँ।
इसके बाद आपको इधर मिल जाता है, अगर आपको कोई लेयर ऐड करनी है, आपने वीडियो में कोई लेयर ऐड करनी है या फोटो में ऐड करनी है, तो आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया में आपको चले जाना है। जो भी आपको इधर से लेयर ऐड करनी है, इधर से मैं कोई ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं बेसिकली, ये मेरी पहले वाली वीडियो है जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ओके, हो गया। तो ये मैंने इस लेयर को मैंने ऐड कर दिया है, तो लेयर हमारी ऐड हो गया। इसमें आप इसे जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट भी कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंची का ऑप्शन मिल जाता है, ये मैंने बता दिया। देन आपको इधर स्क्रीन मिलता है, स्प्लिट स्क्रीन, इसकी मदद से आप इसकी पूरी अगर स्क्रीन पर एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप डाउन, राइट, लेफ्ट, जैसे भी आपको करना है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अगर आपको इधर कोई दूसरी वीडियो लगानी है, पिक्चर लगानी है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, आई थिंक। तो देन आपको स्पीकर, ये भी मैंने बता दिया। अब ये है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन बेसिकली है कि अगर आप ये चाहते हैं जब भी मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आपने जो लेयर ऐड किया है या पिक्चर ऐड की है या आपने कोई वीडियो ऐड किया, सारों को सेम ही होगा। इन एनिमेशन मैं क्लिक करता हूँ, अभी इन एनिमेशन नन है, मैं फेड पर क्लिक करता हूँ। तो आपने जो लेयर ऐड किया, आप ये चाहते हैं कि ये स्लाइड राइट, ये राइट की तरफ ये आए स्लाइड करके, तो आप इस तरह कर सकते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट साइड से इसे स्लाइड करना चाहते हैं तो आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। नीचे आपको इसकी स्पीड देखने को मिल जाती है, स्पीड कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इधर आपको जो भी अच्छा लगे आप इन एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। अब इससे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनिमेशन, इसका मतलब ये है कि पूरी आप इधर जो भी इसे सिलेक्ट करेंगे पूरी वीडियो में वही ओवरऑल एनिमेशन वैसे ही वीडियो शो होगी। ओके, अब मैं ब्लिंक शो करता हूँ, अब ये ब्लिंक शो हो रही है। ओके, पूरी वीडियो में ये ब्लिंक शो होगी, जो भी आपको ऐड करना है। मैं क्लॉक वाइज करता हूँ, ये पूरी वीडियो में इस तरह से क्लॉक वाइज शो होगा। अभी मैं इसे नन कर देता हूँ। तो आउट एनिमेशन बेसिकली होता है कि वीडियो मींस एक दफ़ा एंटर हो गया तो अब ये कैसे जाए, कैसे बैक पे कैसे जाए। तो इधर आप बैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिलेक्ट किया था स्लाइड राइट या लेफ़्ट किया था, हाँ स्लाइड हमने राइट या जो भी किया था। तो अगर आप जैसे भी इसे आउट एनिमेशन देना चाहते हैं, मैं स्लाइड अप करता हूँ आउट एनिमेशन। ओके, अब देख सकते हैं वीडियो जो हमने लेयर ऐड किया है वैसे स्लाइड अप भी हो रही है। इसे मैं नन कर देता हूँ। तो इधर आपको क्रोमा की देखने को मिल रहा है, क्रोमा की पर मैं क्लिक करता हूँ। क्रोमा की बेसिकली होता है अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड, अगर आपका ग्रीन है, बैक पे ग्रीन है, तो ग्रीन स्क्रीन के साथ आपने कोई भी वीडियो बनाई, अगर इधर मेरा बैक होता, बैक मेरा ग्रीन होता, तो मैं इसे इनेबल करता, जो ग्रीन है ना बैक पे वो मेरा बिल्कुल हट जाता। ग्रीन स्क्रीन को हम इजीली से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन और की होता है वो थोड़ा, वो भी हो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है उसे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। ओके, हो गया। तो इसकी मदद से अगर ग्रीन होता तो वो बैक पे हमारा रिमूव हो जाता। तो हम इसकी मदद से एडजस्टमेंट करके हम बैक पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ऐड कर सकते थे। वो आपको वीडियो ऐड करनी है या पिक्चर ऐड करनी है, वो बिल्कुल आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन स्क्रीन लूँगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से क्रोमा की यूज़ करके बैकग्राउंड आपने अच्छा लगाना है। ओके, तो देन आपको क्रॉपिंग का मिल जाता है ऑप्शन, में क्रॉपिंग पर क्लिक करता हूँ। आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, जो भी आप क्रॉप करना चाहें। वो कह रहे हैं मास्क कैन नॉट बी यूज इन स्प्लिट, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन हमने ऐड की हुई है, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। ओके, अगेन क्लिक करते हैं। आप इसकी मदद से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, जहाँ भी आप ऊपर अप डाउन जैसे भी आपको क्रॉप करनी है क्रॉप कर सकते हैं। इधर मास्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको आपकी जो भी शेप देनी है, सर्कल देनी है या जो भी देखें आप, वैसे हमारी जो शेप है वो चेंज हो गई है। तो देन आपको रिवर्स का भी मैंने आपको बताया। अल्फ़ा आपको ये फुली रखनी है, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं जो भी है। देन ये कलर फिल्टर ये भी बता दिया है, रोटेट, मिररिंग, एडजस्टमेंट, इको, इनविलप, रिवर्ब, वॉइस चेंजर। हाँ, अब बेसिकली ये ब्लेंडिंग न्यू इसमें ऐड हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूँ। उसमें मैं क्लिक करता हूँ। ब्लेंडिंग का बेसिकली मकसद ये होता है, इसका काम ये होता है कि अगर आपको दो वीडियो या आपको दो फोटो या आपने वीडियो में कोई टेक्स्ट को एडजस्ट करना है तो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे में पियुस्त हो जाता है। अगर आप दो वीडियो हैं, दो फोटो हैं या आप कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो इससे पता नहीं चलता। ओके, इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये भी कमाल का फीचर है। तो बस यही इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक हो गया। देन आपको नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को। सुगर्स, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी जो वॉइस है वीडियो के दौरान वो स्टॉप हो गई थी। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि आप इसकी मदद से वॉइस ओवर कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करनी है। ओके, हो गया। इसी तरह से आपकी वॉइस ओवर अब स्टार्ट हो गई है, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं।
देन आपको इधर ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई सॉन्ग ऐड करना है, म्यूज़िक ऐड करना है, ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इधर आपको अपने मोबाइल के फोल्डर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल के जितने भी फोल्डर होंगे ना, वो आपको इधर दिखाई देंगे। तो उस पर मैं कोई भी किसी पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ इधर से। तो इसमें से मैं कोई भी अगर ऐड करना है, मैं इसका वॉल्यूम पहले ऑफ़ कर दूँ। ओके, ऑलरेडी ऑफ है। कोई भी मुझे ऐड करना है तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये प्ले हो गया है। ओके, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जो मैं प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाएगा। अब इसी को इसके आपको वॉइस कम या ज़्यादा करनी है तो आपको ये मैंने पहले बता दी है, तो इसी तरह से आपने इसे ऐड करना है। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इधर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको बैक भी कर सकते हैं आप, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी मदद से आप इसे अंडो कर सकते हैं। मीन जो आपने सिलेक्ट की है, मैं इसे इस पर क्लिक करता हूँ। देखें, जो मैंने अभी हमने वो म्यूज़िक सिलेक्ट किया है ना, वो रिमूव हो गया। मैं अगेन क्लिक करता हूँ, बाकी जो था वो भी रिमूव हो गया। अब हम इसे दोबारा रीडू का मतलब होता है दोबारा हम उससे लाना चाहते हैं, तो अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो वही जो है वो ऐड हो जाएंगे। ओके हो गया, देखें वो भी हमारी ऐड हो गया, जो भी म्यूज़िक रिमूव हुआ था वो ऐड हो गया। तो इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कैप्चर एंड सेव, ये जो भी आपको इधर स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर आप इसे कैप्चर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करना है। कैप्चर एंड सेव पर आपका वो एक स्क्रीन शॉट ये ले लेगा। अगेन मैं क्लिक करता हूँ कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर भी करेगा और इसमें एक ऐड क्लिप भी ऐड हो जाएगी पिक्चर नुमा यहाँ। ओके हो गया, तो इधर कैप्चर एंड ऐड अ लेयर, ये कैप्चर करेगा। मैं क्लिक करता हूँ। ओके, जो मैंने इसे क्लिक किया उसने कैप्चर भी कर लिया और एक जो लेयर थी वो भी इसमें ऐड हो गई है। देन आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये आपको नीचे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप मूव टू प्रीवियस पॉइंट, अगर आप ये एंड में गए हुए हैं, उससे पहले अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, एक पॉइंट आपने ऐड किया है। ओके, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ, इसे मैं एंड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इधर आपको कह रहा है मूव टू प्रीवियस पॉइंट। पहले हम इस पॉइंट पर से अगर मैं मूव टू प्रीवियस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, तो इससे जो पहले पॉइंट था ये इस पर आ जाता है। ओके हो गया, मूव टू द बिगनिंग मीन अगर आपको फ्रंट में जाना है तो ये सीधा फ्रंट में चला जाएगा। इधर आप मूव टू एंड, अगर आपको एंड में जाना है, आपने कोई लंबी वीडियो कोई एडिट की हुई है तो एंड में जाने के लिए आपको इस तरह से बहुत तंगी हो रही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है मूव टू एंड, ये सीधा एंड में चला जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बहुत से दोस्तों की ये भी पूछते हैं कि चलता हुआ टेक्स्ट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं चलता हुआ। ओके, ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको इधर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैं कोई चीज़ भी लिख देता हूँ। थैंक्स मैं लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, ये हमने इधर टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। मैं इस पर क्लिक करते हैं। हाँ, ये जो आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसकी मदद से अगर आपको कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो ना हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। इससे नीचे आप देख सकते हैं एक और लेयर ऐड हो गई है। तो देन आपको अगर फ्रंट पे करना है, इसे मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट पे चेंज हो जाएगा। और इधर बहुत सी लेयर ऐड हुई ठहरी हैं, ये एंड पे आ गई इसलिए ये हमें शो नहीं हो रहा। ओके, अब ये शो हो रहा है। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर आपको इसे बैक पे करना है, इसे लेयर पे आपने बैक पे करना है। ओके, क्लिक करता हूँ, मैं सेंड बैक करता हूँ। ये अब हमारी लेयर के बैक एडजस्ट हो गया, ये लेयर हमने जो ऐड की थी। अगेन आपको सेंड टू बैक ये करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टली, सेंटर वर्टिकली, इसकी मदद से आप इसे लेयर के आगे पीछे जहाँ भी डुप्लीकेट करना है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो फोटो है, वो वीडियो या जो कुछ भी है। तो ओके हो गया, अब आपको मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ सकते हैं। जो ही आप इधर आपको इस पर मैंने क्लिक किया, राइट हैंड साइड से आपको इसके फ़ोन दिखाई दे रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ए जो भी आपको फ़ोन अच्छा लग रहा है आपको इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस किस्म का फ़ोन सिलेक्ट हो जाए, इसकी मदद से आप इसे काट सकते हैं, इसकी मदद से कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये इन एनिमेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। ओके हो गया, हाँ, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आउटलाइन, अगर आप इसमें कोई आउटलाइन ऐड करना चाहते हैं इसे आपने अनेबल करना है। जो भी आप आउटलाइन ऐड करना चाहते हैं ये देखें, इधर आप मैं कोई कलर पर क्लिक करता हूँ, कलर चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करना है। आप इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट का कलर भी वाइट था और हमने इधर से ब्लैक आउटलाइन सेलेक्ट किया तो वो हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके ओके, आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप इसकी जो वेट्स है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब आपको अगर इसे शेडो देना है, इस पर क्लिक करके आप शेडो भी अनेबल कर सकते हैं, जितना भी आपको इसे शेडो देना है। इसके इधर क्लिक करके आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं, ग्लो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए आप,
जो येलो कलर का ग्लो इसमें ऐड हुआ ठहरा, कलर जैसे चेंज करना बेसिकली ये सेम ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई होता तो मैं आपको समझा देता थोड़ा डिफरेंट। अब बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा ऐड करना है, बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ, इसे मैं अनेबल करता हूँ, तो बैकग्राउंड में कर देता हूँ ये वाला। ओके बैकग्राउंड अब हम ऐड हो गया, फुल विड्थ से अगर अब इसका जो कलर है अभी थोड़ा कम हो रहा है, मैं इसे फुल कर देता हूँ इसकी जो ताकि ये नज़र आए। ओके तो फुल विड्थ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फुल इसकी जितनी भी आपकी वीडियो होगी उतनी इसकी लेंथ ऐड हो जाएगी। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपको अगर मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ सारों को, ये आपने टेस्ट ऐड किया, आप ये चाहते हैं कि इसे आप चलाना चाहते हैं वीडियो में जैसे भी आपको चलाना है। ओके आपको वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट ऐड कर लेना, लिख लेने, उस पर आपको देन क्लिक करना है। इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड से एक चाबी दिखाई दे रही है, चाबी इस पर मैं क्लिक करता हूँ, चाबी पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कर लेना है। ओके मैं इधर फर्स्ट पे करता हूँ इधर, तो अगर आपको इसे राइट से लेफ्ट पर ले जाना या लेफ्ट से राइट पर ले जाना है, जो मैं आपको बताऊँगा आपको वैसा ही करना है। तो इधर मैं इसे राइट से लेफ्ट ले जाता हूँ, जहाँ पर मुझे इसे ऐड करना है जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक मैंने इसे ऐड कर दिया, मैं इसे ले गया, ये जो लाइन है दिखाई दे रही है आपको, तो मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, वो हमारा एक पॉइंट इधर ऐड हो गया। अब मैं इसे इसी तरह से ले जाता हूँ जहाँ मुझे इसे, ओके ये चलता हुआ ऐड हो गया यहाँ तक। ओके अगर आपको इसे रिमूव करना है, पीछे आपको ऐड करना है, तो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है पॉइंट, जो ही आप इस रेड पॉइंट पर आएंगे ना, ये जो मेनिस का ऑप्शन है ये ऐड हो जाएगा। तो अब आपको ऊपर से ओके कर देना है, तो आप देख सकते हैं, ये देखें मैं इसे चला देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, इसकी जो वॉइस है मैं कम कर देता हूँ। ओके अब मैं इसे चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे हम इसे राइट से लेफ्ट ले गए, आप देखें ओके तो बेसिकली यही फीचर थे काइन मास्टर के, इसी तरह से आपको ऐड करने, जो जो भी फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर कोई और बात आपको समझ नहीं आई तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आपकी जो भी कन्फ्यूजन है। ओके अब आपको लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको इसे एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और देन आपको इसकी जो भी अगर आपको रेजोल्यूशन QHD है FHD है, जैसे आपको फुल HD में रखना है, फ्रेम आपको 30 पे रखना है अगर आप यूट्यूब की वीडियो को बना रहे हैं, इसकी आपकी जो है ना बिटरेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जो रखना चाहिए स्टैंडर्ड जो साइज़ है 10 पे काफ़ी होता है। ओके देन आपको इधर नीचे आपको ये बता रहा है अबाउट 38 MB की ये फाइल बनेगी, और नीचे जो अभी वो बता रहा है 12 GB डिवाइस की मींस जो स्पेस है वो खाली है, MTM फ्री है। तो आपको देन एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका जो वो प्रोजेक्ट होगा वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट काइन मास्टर के बारे में गाइड किया, जो जो भी फीचर हैं, टूल हैं, ऑप्शन है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको काइन मास्टर चाहिए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन, लेटेस्ट वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई वाटरमार्क नहीं है, तो उसके लिए आप जस्ट कमेंट में टैप करें आई नीड काइन मास्टर। ओके देन मैं आपसे पर्सनली कंटेक्ट करके आपको मैं काइन मास्टर प्रोवाइड करूँगा। तो बस वीडियो यही थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, ऑलरेडी लाइक किया हो तो ठीक है, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।